हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कड़ी मेहनत करके सुनहरे सपने लेकर घर वालों की काफी उम्मीदें लेकर आईआईटी एनआईटी या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। इस उम्र में इन प्लेटफॉर्म से आप जिंदगी को जो चाहो वो रूप दे सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपकी संगति पे, आप किसके साथ टाइम इन्वेस्ट करते हो, आपका गोल्स क्या है। जब बहुत सारे आईआईटी एनआईटी में स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले चुके हैं, जब उनकी सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटी देखी जाती है तो बड़ी हैरान करने वाले नतीजे सामने आते हैं। अगर आपको ये लड़का लड़की का खेल ही अगर खेलना था तो क्यों आप इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, क्यों आप घरवालों के पैसे खराब कर रहे हो, क्यों आप सरकारी संसाधनों को आप खराब कर रहे हो। डिफरेंट, अगर आप जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हो, जिंदगी को आप बदलना चाहते हो, कुछ आप गोल अचीव करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी आप जो है अपने टाइम को अपनी एनर्जी को इस लड़का लड़की के खेल में आप बर्बाद मत करो बिल्कुल भी। आज जो स्टूडेंट्स गलत जगह अपने टाइम को अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें, कल वो स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट को गालियां देंगे कि इन इंस्टीट्यूट में कुछ भी नहीं है, याद आने से कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने चाहता कि स्टूडेंट आपके साथ भी ऐसा हो। आप अपने गोल्स को, आप अपना ड्रीम्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्किल डेवलप करो ना, ताकि अपने फील्ड में आप बेहतर से बेहतर आप कर सको, अच्छी से अच्छी आप परफॉर्मेंस कर सको। बहुत सारी स्किल है जो आवश्यक होती है अपने फील्ड में, तो आप उन स्किल को डेवलप करो और अच्छा करो आप उनको। आप बहुत सारी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, बहुत सारी स्किल्स आप जो है ऐड कर सकते हो खुद में, लेकिन आपको तो बस वो लड़का लड़की का खेल से उसके अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है। लाइफ में उन कामों के लिए एनर्जी इन्वेस्ट करो जो स्टेबल है। ये प्लेटफॉर्म और ये आपकी उम्र जो है ये इस तरह की वासना प्रकट करने के लिए नहीं है स्टूडेंट। आप जिस चीज को अट्रैक्शन बोलते हो, सही मायने में आप सोच के देखो उसके पीछे आपके दिमाग में क्या विचार है। आपका तो असली चेहरा है आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। अपनी लाइफ को कुछ डेवलप करने को, अपने अपने जीवन में कुछ सौंदर्य लाने का प्रयास करो। आप इस तरह का आप जो है विचार है आप दिमाग में से निकाल दो, या फिर इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करो।